Hello and welcome guys to the channel Indie Traveler. Now today we are going to give you a tour of Karis. Biggest electronic store in UK. It's like Croma in India or Reliance Digital in India. So अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टफ है. अब बेसिकली द थिंग इज़ यहाँ पे आने का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये वीडियो बनाने का इंपॉर्टेंट मोटो ये है कि यहाँ पे ना हर जगह पे जैसे इंडिया में हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स होते हैं, यहाँ पे वैसा सीन नहीं है. तो आपको कोई भी दुकान में जाओगे तो आपको कोई वायर्स केबल्स ये नहीं मिलेंगे, अडैप्टर चार्जर ये नहीं मिलेंगे, आपको स्पेसिफिकली ऐसे बड़ी जगह पे आना पड़ेगा. तो अगर आपको बड़ी जगह जाना ही है तो आपको सस्ती चीज़ें कहाँ मिलेगी और स्टूडेंट के लिए बेस्ट डील्स कहाँ मिलेगी और हर एक चीज़ कहाँ मिल जाएगी एक ही जगह पर, तो वो करीज है. ठीक है, तो इसी चीज़ का हम लोग अभी, मुझे भी नहीं पता था, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि यहाँ पर जा, यहाँ पर तेरे को थोड़ा सस्ता मिलेगा चीज़ें और ये वो. तो दिस इज़ वाई वी आर हियर एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि क्या सस्ता है यहाँ पे और सही में क्या आपको यहाँ पे आना चाहिए, स्टूडेंट डील्स अच्छी है या नहीं है. तो ये सारी चीज़ें अभी दिखाएंगे और यहाँ का टूर देंगे कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है. ये देख इधर आ, तो कौन से एसर के और लेनोवो के लैपटॉप्स लगे हैं यहाँ पे ना? एसस और लेनोवो. और फिर यहाँ पे ये लेनोवो का क्रोम बुक है, इसमें आईपैड 3 आइडियापैड 3 329 पाउंड्स का है. इसमें क्या क्या चीज़ें भाई? इसमें इसका स्क्रीन डिस्क्रिप्शन है, 4GB रैम है, 4GB मेमोरी है, हाँ स्टोरेज है 100, हाँ वही रैम, और 128GB का SSD है. SSD वेबकैम वगैरह वही गूगल वाला सब कुछ है इसमें. ये गूगल की क्रोम बुक है, हाँ क्रोम बुक आजकल उसमें आ रखी है. ये सारी चीज़ें ये लैपटॉप्स यहाँ पे है. तो बहुत सस्ते से स्टार्टिंग है, मतलब 3000 जो है 30,000 से स्टार्टिंग है. ये तो और भी सस्ता है, ये आपको अपग्रेड आ जाता है 700, हाँ 700. और फिर चीज़ें जैसे आपका वो सब बढ़ेगा. ये 290, ये तो वो है फोल्डेबल वाला, हाँ. लेकिन और चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे सारे छोटे छोटे आपको अडाप्टर्स वगैरह चाहिए होंगे तो करीज में आ जाओ, सारे आपको अडाप्टर्स वगैरह मिलेंगे. क्योंकि नॉर्मली यूके में ना ऐसे शॉप्स नहीं मिलेंगे आपको जहाँ पे आपको सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिल जाएगी. पूरा यहाँ पे पूरा अभी गेमिंग सिम्युलेटर्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं. एक और चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली है यहाँ पे, अगर आप आते हो ऑब्वियसली अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है. तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा और स्टूडेंट डिस्काउंट बहुत बेस्ट चीज़ है यहाँ पे. आप जो भी प्राइस यहाँ पे रहेगी उस पर आपको 10% 20% डिस्काउंट मिलता है अप टू, तो डिपेंड है आप स्टूडेंट डिस्काउंट्स के लिए वेबसाइट से अलग अलग उस पर जाके एक बार चेक कर सकते हो. तो अभी मैं दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे लैपटॉप्स के लिए क्या क्या अलग अलग रेंज है यहाँ पे. हर मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे मैकबुक ही है, HP का, एसर का, सारे लैपटॉप्स यहाँ पे दिख रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट हैं, सब मेनली सब भी हैं जो आपको चाहिए होती हैं, जो एक स्टूडेंट को चाहिए होते हैं उसके बेसिस पे भी है. तो मैं तो यही बोलूँगा अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आने वाले हो आप इंडिया कहीं से भी, तो अगर आप लैपटॉप लेने का सोच रहे हो आने से पहले तो मत करना ये गलती, मैंने ये गलती की है. लेकिन आप बेस्ट चीज़ ये है कि आप यहीं पे आके ले लो लैपटॉप, क्योंकि आपको चार्जर अडैप्टर भी यहीं का मिलेगा. तो ये चार्जिंग के लिए क्योंकि आप यूनी जाओगे तो आपको वो जो यूनिवर्सल अडैप्टर है वो लेके घूमना पड़ेगा. तो मैं बोलूँगा अगर आप लैपटॉप लेने वाले हो या कुछ भी लेने वाले हो तो यहीं पे आके ले लो. इवन आईफोन भी लेने वाले हो तो आप यहीं पे आके ले लो. तो और अभी दिखा दो गेमिंग जो लवर्स है, गेमिंग लवर्स के लिए यहाँ पे सारे उनके हेडफोन्स हैं. तो जो मर्जी चाहिए सारे रेंज में यहाँ पे हेडफोन्स अवेलेबल है. ठीक है, गेमिंग माउस से लेके कीबोर्ड, माइक, माइक जो है जो प्रॉपर प्रोफेशनल गेमिंग करते हैं या यूट्यूब वीडियो बनाते हैं मेरे जैसे तो उनके लिए माइक्स भी अवेलेबल है, पॉडकास्ट वगैरह के लिए ये सारी चीज़ें. और PCs, गेमिंग सेटअप, जो जो मर्जी यहाँ पे हर चीज़, गेमिंग चेयर्स अवेलेबल है, निंटेंडो और ये एक्सबॉक्स वगैरह सारा यहाँ पे रखा हुआ है. ये रहा PlayStation, ये रहा जो सबसे चर्चित में है PlayStation 5, PlayStation PS5, फाइनली PS5. और ये ओ भाई गेमिंग कंट्रोल्स सारे तुम्हारे, आप सिमुलेटर्स जो है स्टीयरिंग के सिमुलेटर्स, जॉयस्टिक वो. और अभी निशांत आपको एक गेम खेल के भी दिखाएगा. दैट्स LG NanoCell TV, दे आर जस्ट प्रमोटिंग. तुम यहाँ पे बैठ के भी खेल सकते हो, ट्राई कर सकते हो, अगर देखना है कि कौन से सिमुलेटर्स यहाँ पे हैं तो खेल सकते हो. और यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे. ठीक है, जैसे ये गेमिंग का अभी कितने का है क्या है पता नहीं, जैसे डुअल कंट्रोलर PS5, ये 9 पाउंड का है. तो ये आपको इंडिया से लाने की जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ यही खरीद लो. मैंने ये इंडिया से ले आया हूँ, यूज़ नहीं किया अभी तक, यही से खरीद लो. ले तो बहुत कुछ आया, LG OLED की इतनी बड़ी स्क्रीन 700 पाउंड का है सिर्फ. ये इतना बड़ा TV 700 पाउंड का है, जबकि इंडिया में 1.5 लाख 1.5 लाख के आसपास ये सस्ता है. क्योंकि हमारे में 1.10 का पड़ा था और वो बिल्कुल यही OLED 77 का था, वो 77 इंचेस. ये TV अगर लेना है ये बहुत सस्ता है, काफ़ी सस्ता है यहाँ पे. फिर ये जो केबल्स है, इंडिया जैसे यहाँ पे कोई भी शॉप में जाओगे केबल्स नहीं मिलेंगे,
रिमोट्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे, आपको स्पेसिफिकली एक बार यहाँ पे आओगे तो जैसे बैग्स वगैरह भी मिल जाती है, लैपटॉप के बैग्स, स्किन्स, कवर्स जो भी है सारा मिलता है, थोड़ा महंगा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जैसे है तो अगर ये अगर इंडिया से ला लो तो बेटर है, बैग्स वगैरह तो ये सारी चीज़ें जो ये तुम इंडिया से ला लो तो बेटर है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो ऐसे जो जैसे ब्रांड है, डेल हो गया, आसूस हो गया, मैकबुक हो गया, ये डायरेक्ट तुम यहीं से खरीद सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं है। चार्जर के लिए बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली चार्जर के लिए और अडैप्टर के लिए। बाकी बैग्स वगैरह मैं बोलूँगा ये इंडिया से ला लो, ये एक है कि इंडिया से ला लो, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ से खरीदने की, यहाँ बड़ी महंगी है। स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ई बाइक्स, दिस इज द बेस्ट थिंग। तो ये भी आपको यहाँ पे ये भी करीज में मिल जाती है। और इसका प्राइस अभी पता करते हैं कि कितने की है। जैसे ये वाली जो है, ये वाली 500 पाउंड की है, इलेक्ट्रिक है फुल्ली, आप इस पे चढ़ जाओ स्कूटर पे, ये है एक्सेलरेटर है, घुमाओ, यहाँ चढ़ना अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ नहीं चढ़ सकते, ये डिकेथलॉन नहीं है, नदी के वही ट्रायल मार देते। तो ये वही यहाँ पे एक्सेलरेटर है, तुम इसको भगाओ ये भगते रहेगा, बड़ी सही चीज़ है। ग्लासगो में तो अगर तुम्हें चलना है ये, तो ये अगर पैसे है तुम्हारे पास तो ये ले लो, बेस्ट चीज़ है क्योंकि बहुत अपहिल्स हैं यहाँ पे। और ब्लेंडर्स, टोस्टर्स, अगर यहाँ अब ऑब्वियसली यहाँ पे लगते ही है, कॉफ़ी मशीन, एस्प्रेसोस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, थोड़ी महंगी सस्ती लेकिन सारे रेंज है यहाँ पे एक्चुअली। तो अगर तुम्हें लेना है, तुमको अगर ब्रू करना बहुत पसंद है कॉफ़ी, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ है। वही सारी चीज़ें, कॉफ़ी मशीन से निकलते हैं अभी, ये टोस्टर्स है, ब्लेंडर्स है। अगर तुम फ्लैट में रह रहे हो और तुम्हारे पास टोस्टर नहीं है तो ये तुम ग्रुप में खरीद सकते हो, 44 पाउंड्स के वगैरह है यहाँ पे, सस्ते भी, हाँ ये तुमको टेस्को एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। मैं बोलूँगा इतने सस्ते नहीं लग रहे हैं मेरे को, पर लुकिंग एट द क्वालिटी आई थिंक इट इज़ वर्थ द प्राइस, मुझे ऐसा लगता है। बाकी यही सारी चीज़ें आगे भी हुई है, हेडफोन्स, टोस्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टफ, कुकर्स वगैरह, हुअर्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, टोस्टर, यहाँ डो मेकर भी है क्या? डो मेकर देखते हैं अभी है क्या आगे। ये क्या चीज़ है? हाँ स्टीमर्स है, स्टीमर आयन्स भी है यहाँ पे, आयन का रेट देखते हैं, इम्पोर्टेंट है भाई। तो आयन तो तुम ये जैसे 80 पाउंड की है, ये 80 पाउंड की है, ये 109 पाउंड की है, इधर भी है, ये भी 79-80 पाउंड्स। आई थिंक आयन तुमको इंडिया से लाना चाहिए, इधर भी आयन को लेके भी आएगा इंडिया से? आते हैं, मैं तो लेके आया हूँ। तू लेके आया? हाँ। तो साले फिर मैं किसकी यूज़ कर रहा हूँ? मैं बेफालतू में चूतिया आयन यूज़ करता हूँ। मेरे पास है, तू क्या करता है? घर की आयन है वो चूतिया है, मैं बस उसी पे। चलो ये है यहाँ पे, ये 12 पाउंड की है, तो अगर तुमको 12 पाउंड से सस्ते अगर इंडिया मिलते तो ला लो, पर ये फिर यहाँ पे 12 पाउंड की है तो ये यहीं पे ले लो फिर, बेस्ट यही कि यहीं पे ले लो। जितना सामान तुम यहाँ पे सस्ता वाला भी, जैसे मैं बता रहा हूँ ये सस्ता सामान है, तो जो यहाँ पे ले सकते हो यहीं पे ले लो, इंडिया से इतना सामान मतलब जो चीज़ें बताऊंगा वो इंडिया से लेके आना। फिर आयन का भी प्लग का भी इशू हो जाएगा अगेन फिर से, यूनिवर्सल अडैप्टर। और आयन की इतनी जरूरत भी नहीं होती। जरूरत तो होती है यार, इतनी नहीं होती ना, इतनी नहीं हर टाइम हुडीज वगैरह पहन के रहते इन सब में, इतनी जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं कह रहा हूँ लेना ही है। और कंट्री करके ले लोगे ऊपर से, इंडिया में लोगे अकेला लेना पड़ेगा, यहाँ पे तुम कंट्री करके ले लोगे तो वो एक चीज़ है। फिर हुअर वगैरह आई डोंट थिंक ये तुम्हारे काम का, अगर जब तक तुम घर वगैरह ले रहे हो तो सही है, बाकी ये सब है। यहाँ पे जो स्टव रहता है ना ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ के स्टव में देखो अभी कोई कोई इलेक्ट्रिक होता है लेकिन ये अभी गैस वाले हैं, तो इसी में फिर आपको अवन भी हो जाएगा, ठीक है। नीचे दो अवन है देखो, ठीक है, दो अवन है इधर भी, ये भी अवन ही है। फ्रिज नहीं है, चूतिया ही है ये, अवन नहीं है ये, फ्रिज भी नहीं है ये, अवन है चूतिए, ये अवन है, हाँ सारा अवन है ये। तो ये मतलब ये जो आपका गैस है ये इधर इंडक्शन भी हो गया, इधर गैस वाला भी हो गया, तो ऐसे ना मल्टीफंक्शनल आजकल आ रहा है। अब ये है 1300 पाउंड का, मतलब 1,30,000-20,000 के आसपास आ रहा है ये, तो ये आप इंडिया से नहीं ला सकते हो, ये नहीं ला सकते। पर मैं बता रहा हूँ अगर ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है यहाँ पे सिस्टम क्या है ना, हमारे इधर तो अलग छोटा सा गैस होता है उसमें चल जाता है सब, पर यहाँ पे देखो ये ऐसे मॉडर्न गैस यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप ऑब्वियसली अगर आपको जॉब लग गई, आप घर सेटअप कर रहे हो तो ये तो ले लो, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें मल्टीफंक्शन है, हज़ार चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आपको ज़्यादा। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी ये ज़रूरत नहीं, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये तो मैं आपको बस ये करा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, डिटेल्स पता होना चाहिए इनके घरों में बेसिकली कैसे कुकर्स, गैस कुकर्स वगैरह होते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। तो चिमनीज वगैरह आपको कोई कुछ काम का नहीं है, जो काम का था हमने बता दिया। ट्रिमर्स है, ट्रिमर्स और ब्रश,
ये इलेक्ट्रिक ब्रशेज हैं, ये इलेक्ट्रिक ब्रशेज है। अभी मैंने खरीदा था एक होम बार्गेन से, अभी ये 85-89 पाउंड के है, मैंने होम बार्गेन से खरीदा था 2.5 पाउंड का। मैंने 2.5 पाउंड का खरीदा था, ये बहुत महंगे है। एक तो होम बार्गेन से खरीद लो, बैटरी भी नहीं है, पता ना ब्रश ही करते हैं इससे। हाँ, ये ट्रिमर है, अब ट्रिमर का आप देख लो, ये 10,000 से शुरू है, 10,000, ये 24 पाउंड का है, 13 पाउंड का भी है, ये फिलिप का वन ब्लेड, ये 13 पाउंड का है आपका ट्रिमर। ट्रिमर भी ज़्यादा महंगे नहीं है, अब जैसे अगर ये 13 पाउंड का मिल रहा है तो ये तो बड़ा सही चीज़ है, फिलिप का है ऊपर से। लेकिन मैं भी बोलूँगा ट्रिमर फिर से आप घर से ले आओ, ये छोटी सी चीज़ है, ये इंडिया से ले आओ, इवन टूथब्रश भी बोलूँगा इंडिया से ले आओ, ये ट्रिमर इंडिया से ले आओ। हेयर ड्रायर वगैरह लगे तो हेयर ड्रायर भी तो मेरे हिसाब से ना इंडिया से ले आओ, इंडिया यहाँ से कुछ ज़रूरत नहीं लेने की, यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टॉफ थोड़ा महंगा ही है। हेडफोन्स अभी ये सेनहाइजर के और बोस के वगैरह है यहाँ पे। अब तेरा क्या एक्सपीरियंस है तेरे हिसाब से? हैं, JBL का भी लगा है, अब ये JBL का हेडफोन है 10,000 का, मतलब 99 पाउंड्स का ही है, 100 पाउंड्स का ऑलमोस्ट, ये 149 पाउंड्स का है। जो लोग अब आ रहे हैं उनको दिवाली सेल पे मिल जाएगा अभी। हाँ, लेके ले। तो मैं तो बोला अगर इंडिया से ऐसी चीज़ें मिल सकती है वो सेल वेल्स के साथ तो वो ले लो। बाकी और एक चीज़ है, हेडफोन्स वगैरह ऐसी चीज़ें अगर तुमको लेना है तो कंपेयर कर लो यूके के कोई किसी भी साइट पे चले जाओ, यहाँ के रेट्स देख लो, इंडिया के रेट्स देख लो और उस हिसाब से खरीदो। मैं नहीं बोलूँगा अब एक एक का रेट्स नहीं बता सकता हूँ मैं, ये पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो बेस्ट चीज़ आपके लिए यही है, अगर आप ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदना चाहते हो, वेदर इट बी आईफोन, लैपटॉप, सारी चीज़ें वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। मैंने भी यहाँ पे आने से पहले लैपटॉप जब खरीदा था तो मैंने यहाँ पे यूके में फ़ोन किया था और पता किया था कि यहाँ पे जो सेम मॉडल मुझे खरीदना था उसका रेट यहाँ कितना है, इंडिया में कितना है। सेम गोज़ विद हेडफोन, सेम गोज़ विद एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो साइट पे कंपेयर करके प्राइस कंपेयर करो, फीचर कंपेयर करो तभी लो। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये अब इंडिया में अभी ये डिस्काउंट्स पे होंगे सारे। हाँ, क्योंकि दिवाली सेल आई हुई है, इंडिया में आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलते हैं क्योंकि इंडिया में कंपनी सेल्स ज्यादा निकालती है, इंडिया में उनको पता है कि परचेसिंग पावर कम है, तो वहाँ पे ऐसी चीजें आप ज्यादा खरीद सकते हो। अदर देन बाकी अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो फिर ये एक जगह है जहाँ से आप ऐसी सस्ती चीज़ें स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हो। बाकी अदर देन दैट इंडिया से ले आओ जितना ला सकते हो इंडिया से, इलेक्ट्रॉनिक स्टफ कंपेयर करके अगेन वेबसाइट्स पे कंपेयर करो, बाकी कोई ज्यादा ये दिक्कत वाला चीज़ नहीं है। बाकी यहाँ पे सारा सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कुकर्स है, बाइक्स है, हेडफोन्स है, यही सब है यहाँ पे, टीवीज वगैरह है, लैपटॉप्स है। तो इसी के साथ अभी हम लोग ये वीडियो एंड करेंगे यहाँ पे। तो दिस वाज आवर टूर ऑफ करीस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।